नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की सुपर डुपर हिट फिल्म अमर प्रेम का है। अमर प्रेम साल 1972 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की नाट्य रोमानी फिल्म है, जिसका निर्देशन और इसका डायरेक्शन शक्ति सामंत ने किया था। ये फिल्म बंगाली फिल्म निशी पद्मा की रीमेक थी, जो कि साल 1970 में यानी कि ठीक 2 साल पहले आई थी। और उस फिल्म का निर्देशन अरविंद मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक बंगाली लघु कहानी हिंगर कोचुरी के आधार बनाकर इस फिल्म की पटकथा को लिखा था। शर्मिला टैगोर ने एक वेश्या की भूमिका इस फिल्म में निभाई है, और जिसमें राजेश खन्ना अकेलेपन से ग्रस्त एक अमीर व्यवसायी हैं और विनोद मेहरा एक युवा नंदू के रूप में हैं, जिसका ख्याल दोनों रखते हैं। फिल्म आर डी बर्मन द्वारा संगीत के लिए विख्यात है, जिसमें किशोर कुमार, आर डी बर्मन के पिता एस डी बर्मन और लता मंगेशकर जैसे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगरों द्वारा गाए गए गीत हैं और गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि पुष्पा यानी कि शर्मिला टैगोर को उसके पति और उसकी नई पत्नी ने घर से निकाल दिया, और जब वो घर छोड़ने से इनकार करती है तो उसका पति उसे पीटता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो मदद के लिए अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ भी उसका एक तरीके से परित्याग कर देती है। और जब वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है तो उसे उसके गांव के एक आदमी नेपाल बाबू जिसके किरदार में मदनपुरी हैं, नेपाल बाबू कलकत्ता के एक वेश्यालय में उसे बेच देते हैं। और वेश्यालय में उसके पहले दिन पर एक व्यवसायी आनंद बाबू यानी कि राजेश खन्ना उसकी गायकी से आकर्षित हो जाते हैं। आनंद बाबू शादीशुदा तो हैं लेकिन अकेलेपन में हैं, और वो उसका नियमित एक तरीके से मेहमान बन जाते हैं। बाद में अपने परिवार के साथ एक विधुर आदमी पुष्पा के गांव का ही उसके स्थान के करीब के घर में आ जाता है, और नए पड़ोसी का बेटा नंदू को घर पर कोई प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसका पिता हर समय काम पर रहता है, उसकी सौतेली माँ यानी कि बिंदु उसकी परवाह नहीं करती। नंदू के पिता यानी कि सुजीत कुमार पुष्पा के नए जीवन के बारे में जान लेते हैं और वो उसे उसके और उसके परिवार के साथ बातचीत करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे कि एक वेश्या के साथ संबंध। हालांकि पुष्पा नंदू को अपना बेटा मानने लगती है, और वो उसे जब उसे पता चलता है कि उसके साथ घर पर बदसलूकी की जाती है और उसे अक्सर भूखा रखा जाता है, तो नंदू भी पुष्पा से प्यार करने लगता है और उसे अपनी माँ मानने लगता है। फिल्म में कई साल बीतते हैं, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर यानी कि आनंद बाबू और पुष्पा वृद्ध भी होते हैं, और ये फिल्म कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी बंगाली पृष्ठभूमि है, एक बंगाली कहानी पर ही आधारित है, और सबसे खास बात है कि इस फिल्म के गीत बहुत मशहूर हैं, एक से बढ़कर एक गीत हैं और उन गीतों की लंबी फहरिस्त है। और खासकर संगीत, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे या चिंगारी कोई भड़के, रहना बीती जाए, ये क्या हुआ, या फिर बड़ा नटखट है रे, डोली में बिठाएगी, तमाम जो गाने हैं आज भी गुनगुनाए जाते हैं। आपको फिल्म अमर प्रेम का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।